आज मैं आपको एक मजेदार कहानी बताने वाला हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस मूवी को, आप जरूर देखेगा। कैसे शहरों में रहने वाले इंसान अफ्रीका के जंगल में जाते हैं जहाँ पर आदिवासी रहते हैं। आदिवासी लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता, उनके लिए ये सब नया होता है। आइए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज, गॉड मस्ट बी क्रेजी। ये अफ्रीका के काले और जंगलों की कहानी है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, फिर भी इससे बहुत जगह पानी भर जाता है और कुछ ही हफ्तों में वो जगह सूख जाती है। पानी मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। कालारी जंगलों में आदिवासी रहते हैं, उनके लिए यही उनकी पूरी दुनिया है। और ये आदिवासी इस जंगल से कभी बाहर नहीं गए, ये सभी अपनी दुनिया में खुशी से एक साथ रहते हैं। यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। अपना पेट भरने के लिए ये शिकार करते हैं और अपने फैमिली के लिए शिकार इकट्ठा करते हैं। बच्चे यहाँ पर खेल खेलते हैं, इनके खेल भी अनोखे होते हैं। ये सभी बाहरी दुनिया से अनजान है। जहाँ शहरी लोग अपनी भीड़ और तनाव की दुनिया में रहते हैं, एक दिन कालारी के आसमान में प्लेन उड़ रहा था। प्लेन का पायलट कोल्ड ड्रिंक पीके उस बॉटल को नीचे फेंकता है और वो बॉटल किको के पास जाके गिरती है। किको ये देखकर सोचता है ये अजीब सी चीज क्या है, ऊपर वाले ने इस चीज को धरती पर क्यों भेजा। उस चीज को लेके अपने परिवार के पास जाता है। यहाँ के लोगों ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। इस चीज को धीरे धीरे सभी अपने काम में इस्तेमाल करने लगे। इस अजीब चीज के इस्तेमाल से इनके सभी काम आसान होने लगे थे। धीरे धीरे ये चीज सभी के लिए जरूरत बन चुकी थी। वो चीज सभी के लिए अब इतनी इम्पोर्टेंट बन जाती है, कोई भी काम इसके बिना अब नहीं हो सकता था। अब आगे उस चीज को पाने के लिए इन लोगों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस अजीब सी चीज आने से पहले सभी खुशी से और शांति से रहते थे, पर अब इन्हें एक दूसरे के बारे में ईर्ष्या, जलन और क्रोध उत्पन्न हो जाता है। किको ये देखकर गुस्सा होता है, सोचता है ये चीज शायद श्रापित है, ऊपर वाले ने गलती से ये चीज हमारे पास भेजी है, इसीलिए लोगों पर इस चीज का बुरा असर हुआ है। और गुस्से से वो बोतल ईश्वर को लेने को कहता है और अपना दिमाग लगाकर वो बोतल ऊपर आसमान में फेंकता है। बोतल फिर से नीचे आती है। किको फिर से उस बोतल को आसमान में फेंकता है, पर वो बोतल उसके बेटे के सिर पर गिरती है। अब इस चीज के कारण सबको परेशानी झेलनी पड़ती है। रात को ये सभी इकट्ठा होते हैं। किको अपने परिवार को कहता है ये चीज श्रापित है, ईश्वर ने गलती से हमारे पास भेजी है। किको कहता है वो श्रापित चीज पृथ्वी के आखिरी छोर पर फेंकाएगा। दूसरी सुबह किको उस चीज को लेके पृथ्वी के आखिरी छोर पर फेंकने के लिए जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग देश के प्रेसिडेंट पर अंधाधुंध हमला करते हैं और वहां से भाग जाते हैं और वहां की निकम्मी पुलिस उनका पीछा करती है। हम देखते हैं प्रेसिडेंट की जान बच गई है। प्रेसिडेंट कहता है ये सब सैम की गैंग ने करवाया है, उनको ढूंढो और उनको मार डालो। सैम अफ्रीका के जंगल में छुपा रहता है। उसकी गैंग के लोग वहां आके उसे कहते हैं बॉस हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया, हमने प्रेसिडेंट को मार डाला। सैम कहता है प्रेसिडेंट बच गया इस हमले में, तुम किसी काम के नहीं निकम्मो। तभी वहां पर हेलीकॉप्टर में आर्मी वाले आते हैं और जंगल में सैम को ढूंढते हैं। सैम हेलीकॉप्टर पर मिसाइल फायर करके उसे उड़ा देता है और वहां से सैम भाग जाता है। आगे किको को दिखाते हैं वो अपने घर से बहुत दूर आकर उस बोतल को जमीन के अंदर डालने के लिए गड्ढा खोदता है। तभी वहां पर बंदर आकर उस बोतल को लेके पेड़ पर चढ़ता है। किको उसे अपनी भाषा में समझाता है ये चीज श्रापित है, इसे तुम्हारे परिवार को नुकसान ही होगा। थोड़ी देर के बाद वो बंदर उस चीज को नीचे फेंकता है और किको वहां से चला जाता है। आगे जंगल में एंड्रू को दिखाते हैं, वो जानवर का डॉक्टर होता है। वो बीमार हाथी को ठीक करा होता है। हाथी का लेड का सैंपल लेके वो कैंप की तरफ चला जाता है। उसका दोस्त माइकल गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है। तभी वहां पर फादर घोड़े पर आता है। एंड्रू फादर को कहता है आप घोड़े पर क्यों आ रहे हो। फादर कहता है मेरी गाड़ी एक चट्टान से टकरा गई, आज मुझे एक नई स्कूल टीचर को पास के एक शहर से लाना है। एंड्रू अपने दोस्त को पूछता है गाड़ी की मरम्मत हो गई क्या। उसका दोस्त कहता है इसका स्टेयरिंग और ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। फादर एंड्रू को कहता है तुम स्कूल टीचर को लाने जा सकते हो क्या। एंड्रू फादर की बात मान जाता है। एंड्रू का दोस्त एंड्रू को कहता है तुम गाड़ी लेके जा रहे हो तो इस गाड़ी को बंद मत करना क्योंकि इसका ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है। एंड्रू स्कूल टीचर को लाने उस जगह जाता है। रास्ते में उसे एक सामने फाटक नजर आता है। बिना ब्रेक लगाए और बिना गाड़ी बंद करे उसे उस फाटक को खोलना पड़ता है, पर वो यहाँ पर एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाता है। जैसे तैसे इस सिचुएशन से निकल जाता है और यहाँ से अपनी गाड़ी को निकाल लेता है। दूसरी तरफ स्कूल टीचर उसका इंतजार कर रही होती है। आगे एंड्रू स्कूल टीचर के पास पहुंच जाता है
और चलती हुई गाड़ी से उतरकर वो पत्थर उठाने के लिए भागता है और अपनी गाड़ी को पीछे जाने से रोकता है। ये देखकर वो स्कूल टीचर सोचती है ये ऐसे क्यों कर रहा है पागलों की तरह। एंड्रू स्कूल टीचर के पास आता है और उसे देखकर स्टूपिड जैसे बिहेवियर करने लगता है। एंड्रू बहुत शाय किस्म का लड़का होता है और लड़की के सामने बहुत ही घबराता है। आगे हमारे किको को दिखाते हैं, उससे एक आदमी दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर उसकी बंदूक उठाता है और कहता है ये लकड़ी तो बहुत अच्छी है। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी उसकी तरफ देखकर हाथ ऊपर करके वहां से भाग जाता है। आगे सैम को दिखाते हैं, सैम पुलिस से भागते भागते एक गांव में आता है और कहता है ले जाओ, पर यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुनता। सैम ऐसे पेट्रोल और खाने का सामान चोरी करके यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंड्रू स्कूल टीचर को लेके जा रहा होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी पानी में फंस जाती है और स्कूल टीचर को गोद में उठा के वो जा रहा होता है, तभी ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। एंड्रू अपनी गाड़ी से केबल निकालकर गाड़ी को खींचकर बाहर निकलता है और स्कूल टीचर अपने कपड़े चेंज करने के लिए जंगल के एक कोने में जाती है। एंड्रू भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए दूसरे कोने में जाता है, तभी वहां पर एंड्रू के पीछे सुअर लगता है। एंड्रू वहां से भागकर जहां स्कूल टीचर कपड़े चेंज कर रही होती है वो गलती से वहां पर आ जाता है। एंड्रू स्कूल टीचर को कहता है मेरे पीछे एक सुअर लगा था। स्कूल टीचर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। स्कूल टीचर अब एंड्रू को ठरकी समझती है। एंड्रू इस बात के लिए उसे माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। स्कूल टीचर कपड़े चेंज कर रही होती है तभी वहां पर किको आता है और ये सब देखकर हंसने लगता है। स्कूल टीचर किको को देखकर डर जाती है। किको सोचता है ये बोतल इसी को देनी है, यही है ईश्वर है शायद। किको उस बोतल को देने उसके पास जाता है। स्कूल टीचर डर के मारे वहां से चली जाती है। किको भी उसके पीछे जाता है, जहां पर किको और एक ईश्वर से मिलता है। एंड्रू यहाँ पर स्मोक कर रहा होता है और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। किको सोचता है ये आग उबलने वाला ईश्वर है। किको एंड्रू के पास जाता है और उसे बोतल देता है, पर एंड्रू उस बोतल को लेने से मना करता है। तभी किको को वहां पर एक चार पैरों वाला अजीब सा जानवर दिखाई देता है। उस अजीब से जानवर पर एक ईश्वर सवार होता है। उसका शरीर लाल चमड़ी का बना हुआ है। माइकल वहां पर आके पूछता है ये आदिवासी यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड्रू बताता है पता नहीं, ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है पर हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। माइकल किको को पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। किको बताता है मैं इस चीज को लौटाने आया हूँ जो मुझे ईश्वर ने दिया था। माइकल कहता है हमें ये नहीं चाहिए, तुम इसको कहीं पे भी फेंक दो। किको इस बात को सुनकर बहुत दुखी होता है और सोचता है मैं खुद ही चीज को पृथ्वी के आखिरी छोर पर फेंकाऊंगा, और वहां से चला जाता है। किको को रास्ते में बकरियों का झुंड दिखाई देता है। उसे अब भूख लगी थी और एक बकरी को मार देता है जिसकी बकरियां होती है। ये देखकर वो वहां से भाग जाता है। किको को लगता है वो अपने परिवार को दावत के लिए बुलाने जा रहा है। थोड़ी देर के बाद किको के पास एक अजीब सा गोल पैरों वाला जानवर आता है और उसमें से पुलिस वाले बाहर आते हैं। किको उन्हें कहता है और तुम सभी इस दावत के लिए आ जाओ, हम सब मिलकर खाते हैं, बहुत सारा मांस है यहाँ पे। पुलिस वाला गुस्से में कुछ कहता है और बकरी को उठाकर अपनी गाड़ी की छत पर डालता है। किको ये सब देख कर कहता है ये तुमने ठीक नहीं किया, इसे मैंने मारा था। ये बोल के किको और एक बकरी को मारने आगे बढ़ता है और ये सभी बकरियां यहाँ वहां भागने लगती है। किको भी उनका पीछा करता है। पीछे से पुलिस वाला किको के पैर पर गोली चलाता है। किको वही गिरता है। पुलिस वाला वहां आके उसे उठाकर पुलिस स्टेशन में ले आता है, पर यहाँ पर उसकी भाषा कोई नहीं जानता है इसलिए उसे अदालत में लेके जाते हैं। वहां पर माइकल को भी बुलाया जाता है क्योंकि उसी को किको की भाषा आती है। यहाँ पर किको को बकरी मारने के जुर्म में 3 महीने की सजा होती है। कुछ दिनों के बाद माइकल एंड्रू के पास जाता है और कहता है मुझे किको की चिंता हो रही है, उसने कभी दीवारें नहीं देखी होगी, जेल में वो मर जाएगा क्योंकि उसे खुले आसमान में रहने की आदत है। आगे हमें दिखाते हैं किको जेल में बंद होता है और खिड़की से बाहर आसमान में देख रहा होता है, मानो उसे यहाँ से बाहर जाना है। तभी माइकल और एंड्रू जेल में आते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है किको ने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया। किको उनसे अपनी गलती की माफी भी मांगता है। मार्टिन और एंड्रू एक वकील से मिलने जाते हैं। वकील से कहता है किको निर्दोष है, कोई तो रास्ता होगा किको को बाहर निकालने के लिए। वकील कहता है अगर तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे एज अ गार्डियन तो उसे छोड़ देंगे, और ये तीनों कैंप की ओर चले जाते हैं। आगे सैम को दिखाते हैं उसने एक स्कूल पर हमला कर दिया है और सभी बच्चे और स्कूल टीचर को बंधक बना के जंगल में ले जाता है। माइकल अब किको को गाड़ी चलाना सिखाता है। थोड़ी देर के बाद ये तीनों जंगली जानवर को देखने जंगल में जाते हैं। एंड्रू अपने दूरबीन से देखता है यहाँ पर बहुत सारे बच्चों और स्कूल टीचर को बंधक बनाया गया है। ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। किको एक छोटा सा धनुष बाण बना के उसकी तीर को जहर में डुबाता है, जिसे लगते ही वो लोग बेहोश हो जाएंगे। किको बड़ी चालाकी से छुपकर
वहां पर जाता है और सभी लोगों को एक एक करके मारता है और सभी लोग यहाँ पे बेहोश होते हैं। हम देखते हैं दो लोग अभी भी बच गए हैं, वो पहाड़ी पर ताश खेल रहे थे। मौके का फायदा उठाकर स्टूडेंट्स और टीचर उन गुंडों की बंदूक उठाकर भागने लगते हैं। तभी एक बच्चे से गलती से बंदूक चल जाती है, इससे दोनों गुंडों का ध्यान उन सभी पर गिरता है और दोनों गुंडे इन सबका पीछा करते हैं। वहां से स्कूल टीचर चुपके से उन दोनों पर फायर करती है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग होती है। तभी वहां पर एंड्रू और माइकल आते हैं, दोनों गुंडे उनके ऊपर भी फायरिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर में पुलिस वहां पर आती है और सैम और उसके साथियों को गिरफ्तार करती है। आगे दिखाते हैं किको के अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं। किको वहां से जा रहा होता है, तभी एंड्रू उसके पीछे आके उसे कुछ पैसे देता है। ये पैसे किको के किसी भी काम के नहीं है, फिर भी किको उन पैसों को लेके उस जगह जाता है जहां उसने बोतल छोड़ी थी। कुछ देर के बाद वो वहां आके उस बोतल को लेके पृथ्वी के आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब वो बहुत दूर आ चुका है। एक दिन वो पहाड़ी के किनारे पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे घने बादल थे। उसे लगता है ये पृथ्वी का आखिरी छोर है। किको उस बोतल को वही फेंक देता है और वापस अपने परिवार के पास चला जाता है। यहाँ पर सभी लोग किको को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से सभी लोग खुशी के साथ रहते हैं। एंड्रू और स्कूल टीचर भी एक दूसरे से प्यार करने लगे और ये कहानी यही खत्म होती है। इस मूवी में किको का किरदार जिसने किया है वो हकीकत में एक आदिवासी है। इस मूवी को आप जरूर देखेगा, तभी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। मैं इसका दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये मूवी 1980 में आई एक कॉमेडी एडवेंचर मूवी है। इसका बजट 5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $200 मिलियन की कमाई की थी। IMDb पर इसे 10 में से 7.3 स्टार्स मिले हैं। उम्मीद करता हूँ यह मूवी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ।